लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें बरकत बुटीक को और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको चार कली की सलवार की कटिंग बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही अलग तरीका है चार कली की सलवार काटने का। उसके लिए हमने ये 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। सबसे पहले तो हम किनारी की तरफ से सलवार की लंबाई नापेंगे। सलवार की लंबाई के लिए अगर किसी की लंबाई 36 है तो हम 5 इंच कम करके 31 पे निशान लगा देंगे। वहीं से कपड़े को लंबाई से डबल कर लेंगे। लंबाई से डबल करने के बाद हम जो बंद भाग है वहां से कपड़े को काट देंगे। काटने के बाद हमने जो कटिंग की है इसको निकाल लेंगे और इसकी चौड़ाई से 4 तय कर लेंगे, डबल करके, और फिर इस तरह से 4 तय कर लेंगे। 4 तय करने के बाद एक तरफ इसमें बंद भाग आता है और एक तरफ खुला भाग। बंद भाग की तरफ से हम मोहरी का आधा लेते हैं। अगर हमारी मोहरी होती है 16 इंच तो हम उसका आधा 8 और 1 इंच उसमें से कम यानी 7 इंच लेंगे। मोहरी तो हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, ज़्यादा या कम, हम जिस तरह की पसंद करते हैं, और उसको इस तरह हम तिरछा मिला देते हैं। ये ध्यान रखें कि ये निशान हम खुले भाग की तरफ लगा रहे हैं और कटिंग कर देंगे। इस तरह से काट लिया है हमने, ये इसको अलग रख देंगे। और अब हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है इसको चौड़ाई से डबल करेंगे। चौड़ाई से डबल करने के बाद हम इस कपड़े का खुला भाग अपनी तरफ रखेंगे। ये हमने डबल कर लिया है चौड़ाई से, किनारे वाला हिस्सा और खुला भाग जो है वो हम अपनी तरफ रख लेंगे। अब हम इसमें लंबाई लेंगे 31 इंच, क्योंकि हमने 31 के ही पार्ट निकाले हैं तो 31 इंच लेंगे, और चौड़ाई हम 2 या 2.5 इंच लेते हैं कली की चौड़ाई। और दूसरी तरफ जो बंद भाग है वहाँ आसन लेंगे। आसन हम 9 या 10 जितना भी रखते हैं, वैसे 9 और 10 जो होता है हमारा नॉर्मली ठीक आता है। और यहाँ भी हम 2.5 इंच कली की चौड़ाई नाप लेंगे और इसको एक कली को दूसरी कली से इस तरह से मिला देंगे। यानी आसन के निशान को हमने कली के निशान से मिला दिया है और काट लेंगे। इस तरह से हमारी ये 2 कली निकलेंगी। इस तरह से, और अब हम इसको इस तरह से रख लेंगे घुमाकर। जो खुला भाग वाला हिस्सा है वो बंद भाग की तरफ, और जो बंद भाग वाला हिस्सा है वो खुले भाग की तरफ रख लेंगे और सही से कपड़े को सेट करके ऊपर से कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमारी ये 4 कली निकल चुकी है। और जो फालतू उधर कपड़ा है उसको काट देंगे हम। आसन का कुटका लगा देंगे छोटा सा। इधर हमारा एक बंद भाग है, सो काट कर 4 कली कर लेंगे हम। ये देखिए हमारी 4 कली कट चुकी हैं और पार्ट भी कट चुके हैं। ये इस तरह से हमारे जुड़ जाएंगे। 2 पार्ट में 4 कलियां जुड़ जाएंगी, यानी 1 पार्ट में 2 कली जुड़ेंगी। इस तरह से 1, 2, 3, 4, और इसके भी 4 हिस्से हो गए हैं। यानी 1 पार्ट को जब हम डबल करके रखेंगे तो 2 हिस्से रहेंगे पार्ट के, दोनों हिस्सों में 1-1 कली जुड़ जाएगी। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट हम 5 इंच हमने बेल्ट का कम किया था, लेकिन हम बेल्ट की कटिंग 8.5 इंच करेंगे। बेल्ट हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। लंबाई में 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और ये निशान आपस में मिलाकर सीधा खींच लेंगे। इस तरह से निशान कंप्लीट कर लेंगे। ये बेल्ट की चौड़ाई जो हमें रखनी होती है वो हिप्स में 7 से लेके 10 इंच प्लस करके रखनी होती है। बाकी जो लूज़ अगर बेल्ट पहनना चाहते हैं
तो वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। लंबाई हम 8.5 इंच ही लेते हैं, ये हमारी चौड़ाई है। अब हम इस निशान पर कटिंग कर लेंगे। अभी देखिए हमारी सलवार पूरी कट चुकी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स